नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोटे से बनी हुई पत्तियों को लगाना बताऊंगी। इन पत्तियों को आप अपने ओढ़ने पर, पोशाक पर, किसी पर भी सूट पर लगाकर तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये ओढ़ना है, इस पर गोल्डन कलर का गोटा लगा हुआ है, तो मैं इस पर गोल्डन कलर की पत्तियों का काम करूंगी। मैं आपको ये पत्ती लगाना सिखाऊंगी। आप इस पत्ती को देखिए, ये आगे से ऐसी दिखती है और पीछे से ही ऐसी दिखती है। अब हम इसे सुई धागे की मदद से इस ओढ़ने पर लगाएंगे। ये ओढ़ना प्योर का है, तो इस पर थोड़ी सावधानी पूर्वक लगाएंगे। ये देखिए, पत्ती को आप आराम से देख लीजिए, ये हाथ से बनी हुई है, लेकिन ये मार्केट में आपको अच्छे दाम पर मिल जाती, कम रेट में मिल जाती। तो आप घर पे बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको मार्केट में नहीं मिले तो आप इसे घर पर बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने वो धागा लिया है सिंगल, उसमें एक गांठ लगाई है, और उसमें पहले सबसे पहले हम पत्ती के अंदर एक कॉर्नर पर ये लगाएंगे धागा, फिर उसको इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए, जिस जगह लगानी वहाँ पत्ती को रखेंगे, धागे और सुई और धागे की सहायता से उस पत्ती को वहाँ लगाएंगे। इस पत्ती के चार कॉर्नर होते हैं, हमें उन चारों कॉर्नर पर एक एक टाका लगाना है। कच्चा टाका लगाना है, छोटा टाका लगाना है। बड़ा टाका नीचे की तरफ रहेगा और छोटा टाका ऊपर की तरफ रहेगा। यहाँ से देखिए, एक, दो, तीन और चार टाके हमें लगाने हैं। ऊपर की साइड हमने छोटा टाका लगाया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ गए हैं, नीचे की साइड बड़ा टाका लगाया है। अगर धागा खिंच जाए तो उसे सही कर दें। ढीले हाथ से लगाए तार को, मतलब धागा न तो धागा खींचना है, न आपको ओढ़ना खींच कर लगाना है, आराम से लगाएं धीरे। हाँ, ये देखिए, जब आप आराम से बगैर खींचे लगाएंगे तो पत्ती अच्छे से लग जाएगी। चारों कॉर्नर पर छोटा टाका लगाएंगे और बड़ा टाका नीचे की तरफ रहेगा, एक कॉर्नर से दूसरे, दूसरे कॉर्नर से तीसरे, और लास्ट वाले में जहाँ से आपने शुरू किया वहाँ लास्ट कॉर्नर पर उस पर लगा देंगे। फिर धागे को पत्ती में से निकाल कर पीछे की तरफ ले जाकर गांठ लगा देंगे। अब जो अतिरिक्त है धागा उसे काट देंगे। ये देखिए, ये पत्ती बिल्कुल तैयार हो गई है, कहीं से भी नहीं निकल रही है और न ही ये लूज है। हाँ, इस तरह से ये हमारी पत्ती तैयार हो गई है। आप इन पत्तियों को मिलाकर भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे मैं इसके किनारे पर तीन पत्तियों को मिलाकर एक डिजाइन बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ मैंने इस तरह से तीन पत्तियों को जोड़कर डिजाइन बनाऊंगी। मैंने इस ओढ़ने पर यही काम कर रही हूँ, एक पल्ले पर मैंने ये काम कर लिया है, दूसरे पल्ले पर कर रही हूँ जो आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये पहला पल्ला है जिस पर मैंने तीन पत्तियों को जोड़कर जो डिजाइन बनी वो मैं आपको दिखा दूँ। पत्ती को लगाने का तरीका वही है, सेम है। आपको प्रत्येक पत्ती को अलग अलग लगाना पड़ेगा। आप पहले फर्स्ट को लगाएं, फिर सेकंड को लगाएं और फिर थर्ड को लगाएं। इस तरह से तीन पत्तियों को आपस में पास पास में लगाकर आप ये डिजाइन बना सकते हैं। ये डिजाइन आप अपने ओढ़ने पर, चाहे वो प्योर का हो चाहे सूती हो, किसी भी तरह का हो, उस पर लगा सकते हैं। आप अपने साटन के सूट तैयार करते हैं, वेलवेट के सूट तैयार करते हैं, तो उन पर भी ये लगा सकते हैं। मैं इसके कॉर्नर पर एक फूल बनाऊंगी, वो मैं फूल आप चाहें तो तीन पत्ती को जोड़कर भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो चार पत्तियों को जोड़कर भी एक फूल के आकार का बना देंगे। ये देखिए, ये इतना सुंदर लगेगा। ये आप चार कॉर्नर, तीन कॉर्नर पर लगाएंगे, चौथा कॉर्नर तो वैसे भी पटली के अंदर आता है, तो ये इतनी दूरी पर बना देंगे। जो ये पल्ले होते हैं ओढ़ने के चार, उन पर रहेगा। ये देखिए, ये फूल बन गया है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।